नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए एजुकेशन से हटकर टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेकर आए हैं। भारत के चुनिंदा टॉप लॉ कॉलेजों में शुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के अंतर्गत कैंपस लॉ सेंटर, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय का विधि केंद्र परिषद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के प्रत्यक्ष दायरे में आता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह लॉ कॉलेज शुरुआत में ओल्ड वाइज रीगल लॉज ग्राउंड के प्रिंस पवेलियन में स्थापित किया गया था, किंतु वर्ष 1963 में फैकल्टी ऑफ लॉ को उसकी वर्तमान लोकेशन अर्थात छात्र मार्ग पर शिफ्ट किया गया। लॉ फैकल्टी के पहले डीन थे डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो एक महान वकील, जूरिस्ट और एजुकेशनलिस्ट, भारत के प्रसिद्ध और कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ के अलुमनाई लेट मिस्टर अरुण जेटली, जस्टिस दीपक मिश्रा फॉर्मर CJI एंड जस्टिस रंजन गोगोई फॉर्मर CJI एंड मिस मायावती फॉर्मर CM ऑफ UP एंड जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम शामिल हैं। जैसा कि मैंने पीछे आपसे बताया, इसके कैंपस लॉ सेंटर के कब इस्टेब्लिश हुआ, कब कहां से कहां ट्रांसफ़र हुआ, कौन डीन थे इसके पहले, किन्होंने इसे स्थापित किया, तो लाजमी है कि आपके मन में इसे देखने की और इसका हिस्सा बनने का उत्सुकता आपके मन में आ रहा होगा। तो आपको ले चलते हैं, थोड़ी सैर करा देते हैं आपको, इसकी वर्चुअल सैर। जैसा कि आप बोर्ड ऊपर देख रहे हो, ये नीचे ग्रीन गेट है काफ़ी बड़ा सा, और ये तस्वीर अंदर की है, गेट से अंदर की। ये गेटमैन अंकल हैं, गार्ड हैं यहीं पे, काफ़ी पोलाइटनेस है इनके अंदर, काफ़ी हेल्पफुल भी हैं, हेल्प करते हैं और करेंगे भी क्यों नहीं। हम अपने हिस्सा तो जानते हैं ना, हमें राइट्स और ड्यूटी तो पता है, सब कुछ तो पता है हमें, क्यों ना कोई हेल्प करेगा हमारी। और ये अंदर की वो खूबसूरती है, ये सामने से आप लोग देख पा रहे हो। मेरे साथ हैं वो फ्यूजन भाई हैं, कुछ फ्यूजन भाई भी आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि साथ ही में तो शिक्षा ले रहे हैं ना हम लोग। जैसा कि ब्रास ने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया थोड़ा बहुत, कि अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ बताया और इसके पास्ट के बारे में बताया, एलुमनाई के बारे में बताया, अभी इन्होंने आपको थोड़ा सा कैंपस का टूर कराया। और ये देखिए, ये देख रहे हो ब्रास, यहाँ मैं और फ्यूजन यहाँ बैठ के मैं चाय पीता था, फ्यूजन सुट्टा लड़ाता था। दोनों फैसिलिटी है यहाँ पे, चाय की भी है, अंडा भी आप खा सकते हो, सुट्टा भी लड़ा सकते हो। और यहाँ ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पार्किंग एरिया है, और ये दूसरे वाले गार्ड अंकल, ये काफी पोलाइट है ये, बिल्कुल आप इनसे कोई भी काम कहोगे तो तुरंत करते हैं, काफी हेल्पफुल नेचर है इनका भी। ये देखिए काफी ग्रीनरी है, ये ग्राउंड है हमारा, हम लोग जहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते हैं। चलिए इसी क्रम में आपको आगे ले चलते हैं, कैंपस के और भी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और ये रहा देखिए, ये सामने हमारी बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की है, और थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ताकि आप लोग को बताना भी है। ये फ्यूजन पता है ये वर्चुअल है, अगर आप फिजिकली अगर सच में अगर देखो तो फिर खूबसूरती काफी इसकी बढ़ जाती है। ब्रास एक्चुअली क्या है कि कोरोना की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं एक दिन गया था, ट्राई किया, बट गेटमैन अंकल ने घुसने नहीं दिया अंदर, क्योंकि कोरोना की वो इस पेंडेमिक में कोई भी नहीं चाहता कि बेवजह कहीं भी घूमा जाए या फिर कहीं भी नहीं किया जाए, स्ट्रिक्ट काफी नियम स्ट्रिक्ट हो गया आजकल तो, इसलिए तो ये देखिए। बट बुरा लगता है कि अपना ही कैंपस है और हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। बिल्कुल, खैर, लेकिन खैर कुछ भी नहीं कर सकते अभी तो, अभी तो सरकार जो कहेगी वही करना पड़ेगा। ये देखिए बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये यहाँ ऊपर क्लासेस चलती है हमारी सारी, रूम नंबर 19, 34, 26, 27 आपको इन्हीं बिल्डिंग में मिलेंगे। ये फ्यूजन पता है, ये ऊपर जो है 45 रूम नंबर है, मैं पहली बार जब गया ढूंढता ही रह गया, पूरी बिल्डिंग मैंने छान मारी और मुझे बाद में पता चला कि जो 45 रूम नंबर ये सबसे ऊपर है। एग्जैक्टली, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। थर्ड फ्लोर पे ही सारे टीचर्स वगैरह बैठते हैं, तो मिलने में भी काफी दिक्कत होती है, आदमी जाते ही जाते आधा क्वेश्चन भूल जाता है ऊपर। खैर ये सब मजाक की बातें हैं, मजाक की नहीं है, टीवी ठीक है, लोगों को पता नहीं चल पाता है, हम खुद ऑलरेडी कंफ्यूज हो गए थे पहली बार। ये याद है तुम्हें, ये यहाँ पे हम लोग साइड में बैठ के बातें करते हैं, लंच वगैरह भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री माहौल है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, पेरेंट्स भी आते रहते हैं,
अभी हम आपको ले चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। ये रहा लाइब्रेरी हमारा, ये दिल्ली के लॉ फैकल्टी में सबसे बड़ी लाइब्रेरी। यहाँ पे हर तरीके के बुक्स मिल जाएंगे आपको लॉ से रिलेटेड, इंडियन अथर्स की भी है, फॉरेन अथर्स की भी है, और यहाँ पे आप ई बुक इशू करा सकते हो। उसके बाद 10 दिन तक इशू रहता है पहली बार जब आप कराते हो, उसके बाद आप रीइशू भी करा सकते हो। रीइशू बट आपकी मर्जी, आप रख भी सकते हो, रख भी सकते हो, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको पेनल्टी देनी पड़े तो थोड़ी बहुत दे देना, फिर रिक्वेस्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है। और ये देखिए, ये हमारी लीगल एड सोसाइटी है, लीगल सर्विस क्लिनिक, लाइक द जैसा कि आप लोग जानते हो कैंपस लॉ सेंटर या फिर लॉ सेंटर जो भी होते हैं, ये सर्विसेज अपनी देते हैं, फ्री मुफ्त में देते हैं। ऑनरेबल जस्टिस सीकरी साहब आए थे इसका इनॉग्रेशन के लिए, और तो ये सब बाथरूम है, यूज कर सकते हैं आप, खैर अभी तो नहीं बट जब आए तो यूज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी थे जो मूड कुश सोसाइटी का इन्होंने करा, मूड कुश सोसाइटी, ये वर्ड थोड़ा सा वो लग रहा होगा है ना अभी तो, थोड़ा नया लग रहा होगा, हमें खुद ही समझ में आता था कि ये मूड कोट होता क्या है, बाद में पता चला कि जस्ट कोट एट इज मूड कोट, तो सेम बिल्कुल वही पैटर्न होता है इसका, ये नमूना कह लो। बगल में लीगल एड सोसाइटी का वो जो रूम था मैम जिसमें बैठती है वो छूट गया, एसी लगी हुई है, और डीन का कार्यालय, डीन का कार्यालय, डीन मैम का तो ऑब्वियस है कि एसी तो होगी, हमारे में हो या ना हो, पंखे भी काफी एक दो खराब है, बट कोई नहीं, हवादार रूम है। और अच्छा यहाँ पे अलग अलग बेंच लगा हुआ है, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का। आपको कोई भी हेल्प चाहिए यहाँ से, कोई भी नोटिस के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप जाकर पता कर सकते हैं। तुम्हें याद है ये है गेट, ये गेट उस टाइम पे भी जब खुला था जब ऊपर नोटिस लगी थी और हम लोग बगल से छलांग लगा के छत पे गए थे अटेंडेंस देखने के लिए, कितनी अटेंडेंस उस दिन रात को। ये देखिए सेमिनार हॉल है, ये बहुत बड़ा है, 100 की गैदरिंग हो सकती है इसमें एक बार में। पहली बार जस्टिस मिश्रा का पहली बार सेमिनार अटेंड करा था हम लोगों ने, जस्टिस दीपक साई भी यहीं पर आए थे। और ये रहा हमारे पीआईसी का ऑफिस, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पीआईसी इतने पोलाइट हैं, बिल्कुल फ्रैंक हैं, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्सल्ट कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। और ये देखिए नाइट व्यू रहा दोस्तों, नाइट व्यू है दोस्तों यहाँ पे, काफी अच्छा, यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पीते थे और मैगी चाउमीन, मैगी पॉइंट है यहाँ पे, जूस मैं कोने पे अक्सर जूस सुबह सुबह पिया करता था यहाँ पे। ये सामने यूनियन था, यूनियन, अगर आपको यूनियन स्टूडेंट यूनियन में अगर पार्टिसिपेट तो कहता था रात यहीं गुजारते हैं, लेकिन मैं कहता भाई बंद हो जाता है गेट। ये देखिए तीनों फ्लोर एक साथ कितना बढ़िया लग रहा है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो काफी कुछ गेन करके जाएंगे। हम लोग भी काफी कुछ गेन किया हम लोगों ने एक साल में यहाँ पर। कैंपस की खूबसूरती जो है वो दिमाग की खूबसूरती बदल देती है, क्योंकि काफी हरियाली, हरी भरी चीजें हैं, और पेड़ पौधे ही नहीं और भी काफी चीजें हरियाली हैं जो माइंड को थोड़ी अच्छी कर जाती हैं। और ये 3D व्यू रहा, 3D व्यू रहा। हे गाइस, अगर आप लोगों को ये वर्चुअल टूर पसंद आया हो तो चाय के लिए लाइक, सुट्टे के लिए सब्सक्राइब, और दोनों पसंद आया है तो ऑर्डर के लिए बेल बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और बताएं कि ये वर्चुअल टूर आपको कैसा लगा। धन्यवाद।